गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग 8th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला लेसन चल रहा है कौन क्रिसमस प्रेजेंट एंड बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसको आगे बढ़ते हैं, आगे चलेगा तीसरा चैप्टर चल रहा था, हमने तीसरा चैप्टर चल रहा था, पढ़ते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली एनफ, यानी मुझे वह बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली एनफ बड़ी आसानी से मिल गया। मुझे वह बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बड़ी आसानी से मिल गया। देर वर पेपर चेन्स, यानी वहाँ पर कागज़ों की जंजीरें थी। अप इन द हॉलवे, ऊपर हॉल के रास्ते के अंदर वहाँ पर कागज़ों की जंजीरें थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, तथा वहाँ पर एक कोने के अंदर एक क्रिसमस ट्री पर रोशनी की हुई थी जो वहाँ पर खड़ा था। विथ ए लेप्सीडेड एंगल, यानी एक लेप्सी परी के साथ ऑन टॉप, यानी ऊपर एक लेप्सी परी के साथ कोने के अंदर एक क्रिसमस ट्री खड़ा था और उस पर रोशनी हो रखी थी। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिस्ट्रेस मैकफर्सन, मैंने कहा आई वॉज ए फ्रेंड, मैं एक मित्र था, कम टू विजिट मिस्ट्रेस मैकफर्सन, जो उस श्रीमती मैकफर्सन से मिलने के लिए आया था। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, यानी मैंने कहा कि मैं एक मित्र था जो श्रीमती मैकफर्सन से मिलने के लिए उसे क्रिसमस पर ले जाने के लिए आया था। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम, यानी मैं उस डाइनिंग रूम में से देख सकता था। वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग ए पेपर हेट, जहाँ पर एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति वाज वियरिंग यानी पहने हुए था ए पेपर हेट, प्रत्येक व्यक्ति कागज़ की टोपी पहने हुआ था। एंड सिंगिंग, और गा रहा था। द मैटर्न हेड ए हेट ऑन टू, मैटर्न भी एक टोपी पहने हुए थी। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और मुझे देख करके वह पर्याप्त रूप से खुश लग रही थी। सीम्ड हैप्पी, खुश लग रही थी। एनअप टू सी मी, मुझे देख करके बड़ी खुश लग रही थी। सी वन ओफर्ड मी ए मीन पाई, उसने मुझे खाने की एक मीन पाई भी दी, एक मिठाई भी दी। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वह गलियारे में मेरे साथ साथ चली। अलोंग मी, मेरे साथ साथ चली। इनटू कॉरिडोर, यानी गलियारे के अंदर मेरे साथ साथ भी चली। मिस्टेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, श्रीमती मैकफर्सन अन्य लोगों के साथ नहीं है। श्रीमती मैकफर्सन अन्य लोगों के साथ नहीं है। सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। सी इज रादर कन्फ्यूज्ड टूडे, आज वह उलझन में है। कन्फ्यूज्ड कर दो जाएगा उलझन। सी इज रादर कन्फ्यूज्ड टूडे, आज वह उलझन में है। सो वी थॉट इट बेस्ट, इसलिए हमने सोचा इट बेस्ट कि यह सबसे अच्छा है। इफ सी हैड ए गुड रेस्ट, कि वह अच्छा खासा आराम करे। इसलिए हमने सोचा कि यह अच्छा है कि वह अच्छा खासा आराम करे, रेस्ट यानी विश्राम करे, आराम करे। सी हैज नो फैमिली, यू नो, सी हैज नो फैमिली, उसका कोई परिवार नहीं है। यू नो, तुम तो जानते ही हो कि उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आता है, कोई भी उसका दौरा नहीं करता है। सो आई एम श्योर, इसलिए मुझे विश्वास है, सी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी मी सी यू। सो आई एम श्योर, इसलिए मुझे यकीन है, विश्वास है, She will be only too pleased to see you, कि वह केवल तुम्हें देख करके ही
प्रसन्न होगी, इसलिए मुझे विश्वास है कि वह केवल तुम्हें देख करके ही प्रसन्न होगी। प्लीज्ड का अर्थ हो जाएगा प्रसन्न होना। सी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स, वह मुझे वीकर कुर्सियों के साथ कंजर्वेटरी में ले गई, जहाँ पर वो पार्टी कर रहे थे वहाँ पर मुझे ले गई। एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड, और चारों तरफ पोटेड प्लांट्स यानी पौधे लगा दिए, पोटेड यानी लगा दिए, और वहाँ पर चारों तरफ पौधे लगा दिए। एंड लेफ्ट मी, और मुझे छोड़ दी, और मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया गया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, एक वृद्ध महिला जो पहियों वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लेप, लेप का तो जाएगा गोद, उसके हाथ अपनी गोद में थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, यानी उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे। पिन्ड इन टू ए विस्पी बन, विस्पी बन बनकर तो जाएगा एक शानदार बन, जुड़ा शानदार बन, उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल जो एक शानदार बन में पिन से लगे हुए थे। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, सी वॉज गेजिंग आउट एट गार्डन, वह बगीचे की ओर देख रही थी। हेलो आई सेड, नमस्ते, आई सेड मैंने कहा नमस्ते। सी टर्न्ड, वह मुड़ी एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, और वह केवल खाली मुझे देखती रही। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामना, कोनी क्रिसमस की शुभकामना। आगे कल पढ़ाएंगे।